बॉलीवुड इंडस्ट्री से जहां अभी कोरोना पैनेडेमिक के चलते सैड खबरें सुनने को मिल रही थी, वहीं हाल ही में आए ताऊते तूफान के कारण भी फिल्म इंडस्ट्री से सैड न्यूज सुनने को मिल रही है। और ऐसी ही एक सैड न्यूज एक्ट्रेस काजोल से जुड़ी सामने आ रही है। जी हां, इस तूफान में काजोल और उनके जुड़े लोगों पर अपनी तबाही के निशान छोड़ दिए हैं, जिससे कि काजोल को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके साथ साथ इनके पति अजय देवगन भी परेशान हैं। तो आखिर ताऊते तूफान ने क्या किया है काजोल और अजय देवगन के साथ की वो चीज एक सैड न्यूज बनकर सामने आ रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी सैड न्यूज के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहें वीडियो के एंड तक। साथ ही काजोल और अजय देवगन के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चक्रवाती तूफान ताऊते ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचाई, पर फिल्म इंडस्ट्री भी ताऊते के कहर से बच नहीं पाई। इस तूफान की वजह से बॉलीवुड के कई लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही परेशानी का सामना काजोल भी इस तूफान की वजह से कर रही हैं। दरअसल हुआ यूं कि इस तूफान की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्मों के सेट बने हैं वो सब तबाह हो गए। कुछ ऐसा ही हाल अजय देवगन की आने वाली फिल्म मैदान के सेट का भी हुआ। ई टाइम्स के मुताबिक रिपोर्ट है की मुंबई के बाहरी इलाके में बना फिल्म मैदान का सेट भी ताऊते तूफान की वजह से बर्बाद हो गया और सेट बर्बाद होने की अजय को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब काजोल उनकी वाइफ हैं तो उनके लिए भी ये नुकसान उतना ही बड़ा है। काजोल ने बताया कि मैदान फिल्म के सेट पर अजय देवगन इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट करने वाले थे, पर अब सेट के बर्बाद हो जाने की वजह से फिल्म की शूटिंग पर ब्रेक लग गया है। मगर फिल्म मेकर्स और ताऊते तूफान के वक्त वहाँ मौजूद 49 लोग, जिनमें सेट पर मौजूद गार्ड्स और फुटबॉल ग्राउंड बनाने वाले लोग थे, उन्होंने सेट को बचाने की पूरी कोशिश की, पर सभी की कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि ताऊते की वजह से फिल्म के सेट पर कोई घायल नहीं हुआ, पर सेट पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जिससे कि भारी नुकसान हुआ है। जिससे शूटिंग पर तो ब्रेक लग ही गया और ऊपर से दोबारा से सेट को बनाने के लिए अब करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें से कुछ करोड़ इन्हें और अजय को भी देने पड़ेंगे। और अब वो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये ना तो इन्हें पता है ना ही अजय को, जिससे कि ये और इनके पति इन दिनों काफी ज्यादा परेशान हैं। जैसे कि दोनों को काफी टेंशन भी हो रही है। दोनों के लिए तो यही न्यूज एक बड़ी सैड न्यूज है। बता दें ये दूसरी बार है जब मैदान का सेट इस तरह से तहस नहस हुआ। इससे पहले साल 2020 में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन और फिर बारिश में सेट बर्बाद हो गया था। इस तरह अब तक केवल सेट पर ही 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं अब जब सेट को दोबारा बनाया जाएगा तो दोबारा से करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे मेकर्स के साथ साथ अजय और काजोल को। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अजय की मैदान फिल्म के सेट पर अगर ऐसी परेशानियां आती रहीं तो क्या फिल्म तय किए गए टाइम तक बन पाएगी और क्या बाद में इस फिल्म को सफलता मिल पाएगी? आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।